इंदौर जिले में हृदय रोग से पीड़ित 18 वर्ष आयु तक के बच्चों का निशुल्क ऑपरेशन होगा। सीमांकन के लिए शुक्रवार 26 मई को विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को हुई समय सीमा बैठक में लिया गया। इस अभियान के अंतर्गत पूर्व से लंबित सीमांकन के प्रकरणों का विशेष रूप से निराकरण होगा। देखिए ये खास खबर। सोमवार को होने वाली समय सीमा बैठक बुधवार को आहूत हुई। बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की प्रगति की समीक्षा की। अभियान के तहत 1,54,682 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 1,41,619 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के अविवादित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में लंबित सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए शुक्रवार 26 मई को विशेष अभियान चलाया जाए। सीएम हेल्पलाइन में हम लोग लगातार आई थिंक दो बार अभी है ना टॉप 5 में आए हैं। लगातार हम लोग है ना जन समस्या को निराकरण करने के दिशा पे ना काम कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ है ना शिकायतें पेंडिंग है, कौन सी एरिया में पेंडिंग है, कौन सी अधिकारी के पास पेंडिंग है, फिर उनके माध्यम से वो निराकरण करने के लिए कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से इवन स्कीम्स में भी है ना तेजी आती है। कोई है ना स्कॉलरशिप मिलना हो या फिर है ना प्रसूति सहायता है या अनुग्रह सहायता है ना किसी को मिलना है या फिर इवन बिल्डिंग परमिशन। अभी जनसेवा अभियान के अंदर भी ऐसे शिकायतें हैं लंबे समय से पेंडिंग था वो भी चिन्हित हैं। उसका है ना 4,000 के ऊपर अधिक शिकायतें हम लोगों ने लास्ट जनसेवा अभियान के दौरान भी है ना निपटाए हैं। अभी हम लोग जनसेवा अभियान में भी 92% है ना डिस्पोजल पे हैं। 1,41,000 के आसपास है ना प्रकरण को हम लोग ने निराकरण किए हैं। बट अभी भी हमारे पास है ना 7 days हैं। हम लोग सीएम हेल्पलाइन भी जनसेवा अभियान का भी और है ना सतर्क रहने और मैक्सिमम इन लोगों को है ना हेल्प करने के उद्देश्य उनकी शिकायतों को निराकरण करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। बैठक में तय किया गया कि हृदय रोग से पीड़ित 18 वर्ष आयु तक के बच्चों का निशुल्क इलाज या ऑपरेशन कराया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।